बागेश्वर के खर्कटमटा गांव में परंपरागत ताम्र शिल्प का कार्य आज भी जारी है इस गांव को ताम्र शिल्पियों का गांव कहा जाता है वक्त के साथ इस गांव पर भी पलायन का असर पड़ा है लेकिन अब केंद्र सरकार द्वारा ताम्र व्यवसाय को उसकी पहचान दिलाने के लिए एस सी एस टी हब योजना बनाई गई है ग्रामीण शिल्पकारों का कहना है कि यदि सरकार प्रोत्साहन दे तो इस कला को जीवित रखा जा सकता है केंद्र सरकार की योजना के तहत हस्त निर्मित तांबे के बने पूजा पात्रों को चार धाम में बेचा जाएगा। बताते हैं कि पहले तांबे का काम हर घर में होता था जब युवा पीढ़ी बाहर नौकरी के लिए चली गई तो ये काम कम होता चला गया। अब गाँव में सिर्फ तीन परिवार ही इस काम को करके अपनी आजीविका कर जा रहे हैं ये काम हमारे पुस्तानी काम है हमारे बुजुर्ग जो थे आजादी से पहले से यही काम करते आ, आते थे पचास साल से काम करते आया हूँ और मतलब कोई भी आइटम लोटा जग पराग छोटे कलर गुलदस्ते ये हुड़के ढोलक कोई भी चीज़ को देखता हूँ बना लेता हूँ तो मेरा सामान चाइना जाता था नेपाल जाता था वो न बाहर देश भेजता था तो बाहर देश में भी मेरा सामान बहुत बिका है शिल्प कारीगर सुंदरलाल को उनकी शिल्प कला के लिए उत्तराखंड सरकार और उद्योग विभाग ने भी सम्मानित किया है आजादी से पहले खरकटम समेत जोशी गांव देवलधार टमटीगुड़ा बिनौला आदि गांव में ताम्र शिल्प का कार्य होता था लेकिन अब यह काम सिमट गया है आजादी के बाद ये उद्यम काफी फैला भी और अपने औजारों को साथ लेकर शिल्पी भी गाँव गाँव जाकर लोगों के तांबे के पुराने बर्तनों की मरम्मत किया करते थे तांबे व पीतल को जोड़कर बने गंगा जमुनी उत्पाद और पात्रों के विभिन्न हिस्सों को गर्म कर और पीट कर जोड़ने की तकनीकी इस शिल्प कला की खासियत होती है गांव के एक अन्य शिल्पकार सागर चंद्र बताते हैं कि अब गिने चुने कारीगर ही विपरीत परिस्थितियों में भी अपने इस पैतृक व्यवसाय को जीवित रखे हुए हैं मेरे पापा श्री ही मेरे गुरु रहे थे मैं बचपन से अपनी पढ़ाई के दौरान से ही पर रथ हूँ हम पूरे सारे पूजा पाठ से लेकर के खाने पर बनाने या पानी जल के लिए या पूजा पाठ के बाद लेकर के सारे पूरे भी जो भी तांबे में आइटम आते हैं वो हम करते हैं खर्कटमटा गांव के प्रधान मनोज कुमार का कहना है कि ताम्र शिल्पियों की आजीविका पर मशीनी प्लांटों में बन रहे सामान से भी असर पड़ा है लेकिन अब भी लोग हाथ से बनाए तांबे के बर्तनों को ही ज्यादा महत्व देते हैं इसका कारण है कि हाथ से बने तांबे के बर्तन काफी मजबूत और शुद्ध माने जाते हैं हमारे पुस्तकी कार्य है हमारा ये तो हमारे चाचा इस पे कार्य करते हैं तो लगभग तीन चार परिवार इन पर निर्भर रहते हैं तो माल है इनका मशीनों से अभी हद तक अच्छा है अच्छा रेट भी अच्छा मिल जाता है इनका